बीवी के पास जाते ही क्या आप भी झड़ जाते हैं? फौरन आपका पानी निकल जाता है, वीर्य निकल जाता है, और ये समस्या आपको काफी टाइम से है, या यूं कहें कि बहुत टाइम आपको हो गया है आप इस परेशानी को झेलते हुए। आप वियाग्रा, मैनफोर्स, ऐसी कई सारी दवाइयां जो अंग्रेजी होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं अपनी बीवी के पास जाने के लिए, और जब तक आप उनको खाते हैं तो आपको कुछ फ़ायदा दिखता है, उसके बाद आपकी कंडीशन फिर पहले जैसी हो जाती है। तो आप इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं हमारे बताए हुए नुस्खे के थ्रू। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जो आपके वीर्य को बनाने का काम करेगा, और जब आपका वीर्य बनेगा, बढ़ेगा और गाढ़ा होगा तो फिर आपकी टाइमिंग भी बढ़ेगी। ये होता है रुकावट का मामला। रुकावट किसे बोलते हैं? कि जैसे ही आपने अंदर डाला तो फौरन आपका वीर्य निकल जाता है, यानी आपके अंदर रुकावट नहीं है, वीर्य पतला हो चुका है। तो जो दवाई हम आपको बताने वाले हैं उसका इस्तेमाल करने के बाद आपकी रुकावट बनेगी, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा देर तक अपने वीर्य को निकलने से रोक पाएंगे। आज की इस वीडियो में उस नुस्खे के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं हूं मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं हुसैन हेल्थ केयर चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें पहली चीज़ है ज़ाफ़रान, ये आपको 5 ग्राम लेनी है। दूसरा है इसमें रेग माही, ये आपको 10 ग्राम लेनी है। ये हर जगह नहीं मिलती लेकिन शहर के इलाकों में आपको मिल जाएगी। फिर है जलवित्री, ये आप 10 ग्राम ले लें। फिर है जुंद बदस्तर, ये भी आप 10 ग्राम ले लें। उसके बाद है अकर कराह, ये भी आप 10 ग्राम ले लें। उसके बाद है अश्वगंधा, ये आप 10 ग्राम ले लें। फिर है कुस्ता जमुर्द, ये आप 3 ग्राम ले लें। ये सभी चीज़ें जो हैं आपको मार्केट से मिल जाएंगी, पंसार के यहाँ से मिल जाएंगी। अगर आप गांव के इलाके से हैं, देहात से, तो आप शहर से इनको अवेलेबल करा सकते हैं, ले सकते हैं। लेने के बाद इन सबको आप पहले सुखाएं। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए, धूप में सूख जाए अच्छे से, फिर आप इन सबका अलग अलग बिल्कुल बारीक सफूफ बना लें, चूर्ण तैयार कर लें। जो चूर्ण आप तैयार करेंगे उस चूर्ण को आप 0 साइज के कैप्सूल में भर लें। अब ये 0 साइज के कैप्सूल आपको मार्केट में कहीं पर भी मिल जाएंगे। इन कैप्सूल को आप जो है किसी भी डिब्बी वगैरह के अंदर भरकर रख दें। अब आपकी ये जो दवाई है वो बन चुकी है, तैयार है। अब आपको इसका इस्तेमाल करना है सेक्स करने से 30 मिनट यानी करीब आधा से पौन घंटा पहले। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इस्तेमाल किस तरह करें? आप इसका एक कैप्सूल लें और ऊपर से हल्का गर्म दूध पिए। इस तरह दोस्तों आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करें। जब आप लगकर इस दवाई को ऐसी तरह से इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, तो ये जो प्रॉब्लम आपको हो रही है उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक करने का काम करेगी, टेम्पररी बेसिस पर भी और परमानेंटली बेसिस पे भी। और साथ ही दोस्तों ये आप रोजाना इस्तेमाल करें, चाहे सेक्स करें या ना करें। अगर सेक्स कर रहे हैं तो करीब आधा पौन घंटा पहले खाएं, और सेक्स नहीं कर रहे तो करीब 1 घंटा पहले भी आप इसको ले सकते हैं। रोज इस्तेमाल करें, लगकर इस्तेमाल करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम आपको हो रही है ये ना सिर्फ आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी बल्कि ये बीमारी आपकी जड़ से भी खत्म होगी। सो आई होप वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।